हे पैरा में पदम तेरे माथे में मणि धन धन मां बाप तो जिसने जनी शाबाश में छोरी बहू का नागी ताड़ी मार दो जाके गणेश राव की नुका की तो कोई मेरी दादस इतनी बढ़िया मेरी जेठानी इतनी अच्छी ठीक है नी शाबाश भाई पैरा में पदम तेरे मुझे में मणि धन धन मां बाप जियो बहु तेरा है धनी जो बहु की ननद हो नी वो गांव के पैर नहीं लागण नहीं उतर हां से न्यू सुथरी होनी चाहिए भाई अजय काली सी आदे पर तो सारे कुण मनु चल सुकड़ी सी के जणो बने के खोट हो गया और भाई सुथरी बुआ जावे तो चाय न्यारे हो है ननंद फिरे तेरी तणी है तणी तन तन महाबाप हीरा तू हीरे की कहानी धन धन मां बाप जिसने ओ पत्थर में हीरा तू हीरे की कहानी धन धन मां बाप जिसने ओ पाया मत्था तन तेरा तेरी अखियां सुर में दानी बनो तेरी अखियां
तो ब्राह्मण हाँ भाई, हाथ देखने की लोड़ नहीं पड़ती, कहीं हाथ देखना हाथ की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो माथा देख कर बता दिया, सारी उम्र मौज में कटेगी, कुछ नहीं करना, दाल नून तेल सारा जेठ जेठानी जाने है, वो न कोई मिल जाना, कोई चिंता नहीं। क्या कहा खरी कली में, रंग महल में बैठी रही है पानी है ठाणी बाबा, देख सास ने कितना चाह चढ़ रहा, चढ़े हैं चाह भाई, और बहु अगले के बनाए फिर सासू का लड़का सांप, सांप लड़के थे बहु लाग रही प्राइवेट स्कूल में मास्टर नहीं, एक बजे से पता लग गया बुढ़िया का सांप लड़ गया, घर गई इतना गई इतने ठाके ले गए घर के, ले गए डॉक्टर पर ले गए शहर में, बुढ़िया तो नरवा ने मारी ठग है, बहू ने घंटे पास फोन मिलया, फोन करे घर वाले दौरे के सूत है मां का, क्यों सासू ने मां कहे आजकल बहू बढ़िया फॉरम मारियों से ससुरा ने पापा कहे हैं, हाँ कहे थोड़े दिन फिर वो बैंड को नहीं पकड़ती, बैंड बदल जे है, मां का के सूत है, ने बोला कि मैंने सूत मां का तो है कोई नहीं, कोई सूत नहीं मां का, घनी तबीयत खराब है, अच्छा बुंडा मुंह करके फोन काट दिया, काट के फोन फिर सांस लिया, डेढ़ घंटा पाछे फिर मिलया, नहीं बोला नहीं कहता कि मैं सूत नहीं लेकर आया को, नहीं बोला चाड़ा की है, फिर फोन मिलया की सूत है मां का, नहीं बोला मां का कोई सूत नहीं, चेहरा लीला पड़ दिया, ग्लूकोज भी नहीं चढ़ दी, डॉक्टर जवाब दे है, नहीं बोला चंडीगढ़ ले जाओ, चंडीगढ़ आओ क्यों ना अड़ खंडिया वे इसके उसकी न्यू कदे चंडीगढ़ जाके ठीक हो जाए ना ना तंग हो ये कौन जो कुछ रहे इंद्रिया नरवाना के डॉक्टर के छाने को नहीं कौन है छाने हैं फोन काट दिया काट का फोन घाटी से चाय बनाई एक कप चाय का पिया टेलीविजन खोल लिया कुछ फिर वो किसान आंदोलन की दो चार खबर सुनी घंटा पाछे फिर फोन मिलया बोला चाड़ा हुआ लिल्ली पड़ ली पानी लग भीतर जाना नहीं आया क्या थे निकल गए फिर फोन करे साढ़े चार पौने पांच बजे हाँ केस उत्मा का ही छोरा ने बोला माँ ठीक है भाई दो बिस्कुट भी खाए कप चाय का भी पिया है और डॉक्टर ने बोला भैया खतरा तो बहर है बहुत तो गल रही मिर्गी जी लिगड़ी का गात का अपड़ोसना वो पूछना आई नहीं लगी बहू आई केस उत तेरी सासू का के बताओ बेचारी बड़ी बैठी तेरी सासू का न्यू तो कहनी कटी को नहीं रहन दे न्यू बोली रहन दे के बताऊंगा ना तो पलड़े सांप रह रहे ना पलड़ा जहर रह रहा एक बार कह दो चाहे